किसानों के लिए जो 2 हेक्टेयर के लिए 6,000 रूपए शामिल किया है वो बहुत अच्छा बजट है और हम किसान लोग की आर्थिक स्थिति इससे बहुत अच्छी होगी। और MSP भी जो समर्थन मूल्य में भी जो मोदी जी ने किया है बहुत अच्छा है, किसानों को आर्थिक लाभ होगा और आगे भी किसान को फायदा होता जाएगा और उत्पादन भी बढ़ाएगा। वो क्या क्या उम्मीदें? और ये उम्मीद है कि किसान सक्षम होएगा तो आगे और मोदी जी का सरकार बनने की उम्मीद है। बजट तो बहुत अच्छा पेश किया है मोदी जी ने, किसानों की संतुष्टि भी है इसमें और किसानों का फायदा भी है। और आगे चल के मोदी जी ने किसानों के बारे में और सोचना चाहिए। 4 साल में आप शुद्ध आइए तो ऐसा लग रहा है किसानों को कि आप कुछ फायदा करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, 4 साल में कभी शुद्ध नहीं ली क्या सरकार ने? 4 साल में किसानों की शुद्ध नहीं ली इन्होंने अभी तक, पर आप लग रहा है कि किसानों के प्रति इनका सोच ऊपर उठ रहा है। कर्जदार हो रहे थे किसान और किसान कर्ज में डूब रहे थे, थोड़ा किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी इससे और किसान ऊपर उठेगा। जो 6,000 रूपए जो सालाना देने की बात कही, ये क्या लग रहा है इसको? इसमें 6,000 रूपए प्रति वर्ष जो घोषणा की है उन्होंने देने की, जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक देंगे, ये तो ठीक है, पर इसके आगे भी जो सरकारें बनती है उनको भी ये सोचना चाहिए कि किसान के हित में काम करना चाहिए, क्योंकि अभी जो मध्यम वर्ग के किसान है बहुत पिसा रहे हैं इसमें। उनकी अभी तक मध्यम वर्ग के किसानों का ही शोषण होता आ रहा है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और किसान की आर्थिक मजबूती होगी तो देश की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। बहुत बढ़िया बजट है किसानों का और किसान लोगों ने इसका स्वागत भी किया है बहुत अच्छे से। और 2 हेक्टेयर में जो 6,000 रूपए प्रति वर्ष की जो राशि देने का कहा उससे किसानों की बहुत अच्छी स्थिति सुधरेगी। प्लस मोदी जी तो वैसे काम अच्छा कर ही रहे हैं और किसानों के लिए जो उन्होंने काम अभी करा है, 22 फसलों का जो MSP बढ़ाया है, उससे बहुत किसानों की आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ेगा और अच्छा बेहतर होगा।